एक बड़े जंग में अपने आप को शामिल करो, अपने आप को बचाने के लिए आपने ये लड़ाई लड़नी है, अपने परिवारों को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, अपने नौजवानों को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, अपनी मां बहनों को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। आप तरक्की और रोजगार और ठेके बाद में सोचो और पहले एक हो जाओ और इन खतरात का सामना करने के लिए एक मुट्ठी बन जाओ। आज सारा जम्मू कश्मीर भी चाहिए और मैंने कल भी कहा अगर इस सही रिपोर्ट गठो मैं आपको इशारे बाकी पोलिटिकल पार्टियां चुन छोड़ भारत को कुछ जीवियों पर आप कुछ लड़ो कुछ बेलो चीफ मिनिस्टर को कुछ लड़ो सुधारे भारत आपस तब मुझे नीली सारी पोलिटिकल पार्टी अपने अवाम को अपील करो उसका साथ दे। और मैं यकीन के साथ कहता हूं जैसे नरेंद्र मोदी ने कल सुबह ही गुरुपुरब के दिन पर उठ करके सुबह ही 9 बजे ऐलान कर दिया कि मैं हार मानता हूं, मैं किसानों के कानून वापस लेता हूं, अन करीब है जो ये लोग तो सदमुचो ये लोग ऐसे सारे भी सदमुचो सोचे क्या फुटो यूट्यूबर्स क्या रहे और उस सब का इजारा होगा अचानक रात के 12 बजे नरेंद्र मोदी टीवी खुलवाएगा आपको और हाथ जोड़कर अपील करेगा जम्मू कश्मीर वालों को कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था 5 अगस्त 2019 को, मैं उस गुनाह को वापस लेता हूं और मैं वो कानून और वो तरीका वापस लेता हूं जम्मू कश्मीर में निकालने। आप देख रहे हैं इस बार मैं जिंदा रहूं या ना रहूं आप इसी तरीके का इसी पीरियड में नरेंद्र मोदी का यही तरीका जो जब हम एक होकर इसमें इकट्ठे हो ये गिनवाले दोनों पर राहुल गांधी आज बहुत बुरी हो नरेंद्र मोदी आप गलत कर रहे हो। 80% आबादी है हिंदुस्तान में किसान गांव में रहने वाला, आप इस भ्रमगन के साथ छेड़ रहे हो, इनके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, इनके खिलाफ कानून पास कर रहे हो और मैं आपको लिख के दे रहा हूं पार्लियामेंट में उन्होंने कहा मेरे से लिख के दो किसान जीतेगा और आपकी छपनी छाती हारेगी तब सुबह आपने उसके अंदर दे अल्टीमेटली उसको हारना पड़ेगा। जम्मू में तो आपको बीजेपी की कल तक नाराज होती थी क्योंकि उनके पास रिजल्ट थे, जो उनकी नाकस पॉलिसीज जो रियासत इस डोगरा रियासत को तोड़फोड़ करना इसका नाम निशान मिटाना आज जम्मू का एक एक वो डोगरा एक एक वो मेरा हिंदू भाई तैयार बैठा है कि हम भाजपा को उसका हिसाब देंगे जैसे हिमाचल वालों ने लिया। आने वाले इलेक्शन का तैयार कर रहे रमन बोला साहब की क्यादत में आप देखोगे वो 25 की 25 सीटें उससे वापस लेंगे। हमेशा खासकर ये जो जमात है इसकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, जो आप पूरे देश में देख रहे हो, जो आप 2014 से लगातार देख रहे हो देश को बांट बांट के ठेकों में बांट बांट के वो अपनी कुर्सी कायम रखता है और वही सारा उनको बेनिफिट भी जाता है जब हम बट जाते हैं। इसलिए मैंने कल भी अपील की कि जिस तरह से किसानों ने एक यूनाइटेड फाइट दी, कितनी भी कोशिश उनको डिवाइड की थी, कितने नाम दिए ये टेररिस्ट है पाकिस्तानी है खालिस्तानी है, मगर उनकी यूनिटी में जरा सा भी खलल नहीं आया। उस यूनिटी ने इतनी बड़ी मोटी सरकार को कंपेल किया कि उसको वापस वो कानून लेने पड़े। जम्मू कश्मीर के बारे में भी उनकी यही पॉलिसी है कि भी जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ाना, कश्मीर को दूसरे खिते के साथ लड़ाना, फिर आपस में फिरकाबंदी करना, पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में डिवाइड करना। तो हमने इसीलिए कल इशारा दिया था कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज है वो इस बड़े मसले को लेकर अवाम को ऑन बोर्ड ले और कहीं इकट्ठे बैठे और एक ही रास्ता वही है जिस रास्ते को मोदी साहब समझते हैं, जिस रास्ते को मोदी अंडरस्टैंड करता है वो वही रास्ता है अगर बैठे सारे लोग, क्योंकि खामोश अवाम है। ये खामोशी भी मैंने कहा था ये भी एक किस्म का प्रोटेस्ट है, जरूरी नहीं है
कि लोग धरना प्रदर्शन करें, जरूरी नहीं लोग आज लाठी चलाएं, मगर जो 1,30,00,000 लोग एक सदमे में हैं, कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक, सिर्फ इस बात के लिए कि हमने कौन से गुनाह किए थे, हमारा स्टेट बाइफरकेट किया। सर पीएचडी आपकी बात नहीं है, देखो उनके अपने मंशूर है, उनको मुबारक हो वो मंशूर, वो आपस में चलाए। हम एज ए पार्टी, हम एज ए फर्द, हम उन सारे लोगों को भी ये अपील कर रहे हैं जो हो सकता है किसी पॉलिटिकल आउटफिट में नहीं हो, मगर उनकी भी आवाजें हैं। हमारे बहुत सारे एनजीओज हैं यहाँ पर, दूसरे दोनों खुतों में जो अक्सर आवाज उठाते जाते हैं। जम्मू में आवाजें हैं, हमारा स्टेट वापस दो, ये डोगरा स्टेट थी, पूरी दुनिया में मानी जाती थी, राजा महाराजाओं की बनाई हुई ये सबसे बड़ी स्टेट थी, और क्या गुनाह किया था उन्होंने कि आपने वो नाम निशान मिटा दिया। इसलिए जब हम सब लोग एक चीज के लिए, फिलहाल अवामुल नास 1,30,00,000 लोग उस बात के लिए तैयार है, ये आवाज पहुंच रही है दिल्ली तक, जिन्होंने ये गैर कानूनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से फैसले लिए, और अब वक्त आया है कि उनको इन सारे चीजों को रिविजिट करना पड़ेगा। जिस तरह से अवाम का रुख देख रहे हो, जिस तरह से अवाम इन सारी चीजों के बारे में बोल रहा है, तो ये मैसेजेस तो जा रही दिल्ली। आपको बल्ला साहब ने एक इशारतन कहा कि एक डिलिमिटेशन के आड़ में ये जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदर से हीट पता है, उनकी सर्वेज हो चुकी है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको बता रही है कि अगर इस सिचुएशन में आप चुनाव में जाओगे, भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, इसलिए वो डिलिमिटेशन के आड़ में टाइम खिसका रहे हैं। और उनको पता है लोग नाराज है, वो लोग खाली कश्मीर के नाराज नहीं, खाली मुसलमान नाराज नहीं है, नाराज उस फैसले से हमारे जम्मू के हिंदू भाई भी है, सिख भाई है, मुसलमान है, पहाड़ों में रहने वाले लोग, उनको ज्यादा तकलीफ है। और इसलिए हम अगर सारे लोग, सारे कौम, सारे नजरियात एक होकर एक चीज के लिए आवाज उठाएं, और वो दिन दूर नहीं होगा जब रात के 12 बजे मोदी साहब कहेगा कि मेरी से गलती हो गई थी, मैं माफी मांग रहा हूं, और मैं जम्मू कश्मीर को वो सारी सिचुएशन वापस दे रहा हूं जो उनकी बनी थी। ये एक विशाल और सबसे बड़ी पार्टी है, और जितनी इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस में है, यहां लोगों को अपनी बात रखने का, उठाने का पूरा अधिकार रहता है, जो दूसरे पार्टियों में नहीं। दूसरे पार्टियों में तो सल्तनत है, अगर वहां बादशाह के खिलाफ कोई बात उठाएगा तो उसको गर्दन से काटते हैं। कांग्रेस में सब छोटे बड़े लोगों की ग्रीवेंसेस, शिकायत, अगर वो प्रॉपर फोरम पर वो रखें, उसका इजाला किया जाता है। कुछ दो तीन साथियों ने पार्टी प्रोटोकॉल को वायलेट करके वाया मीडिया बातें अपनी रखी, उसके लिए हमने कहा वो मसला जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी को, वो उसका जायजा लेगा, उन्होंने सही किया या गलत किया।